भैया ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये पूछ पूछ के हम परेशान हो गए। लेकिन क्या है ना कि ये हमें आंसर खुद ही नहीं दे सकते, कौन क्या अबीरा, रूही, अरमान, क्योंकि इनको खुद ही नहीं पता इनके रिश्ते क्या कहलाते हैं। और आई एम सॉरी टू से अरमान, ये जो आप विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं ना कि मैं तो चक्की में पिस रहा हूँ इन दोनों के बीच में, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। या तो अपनी इक्वेशन क्लियर कर दीजिए रूही और अबीरा के बीच में और आगे बढ़िए लाइफ में, क्योंकि हम भी अब बोर हो गए आपकी इस सिचुएशन से। कहानी वही की वही घूम रही है, जहां पर अरमान हमेशा की तरह फंस जाता है रूही और अबीरा के बीच। अब देखिए अरमान ना किचन में है, अपने लिए मिल्क शेक बना रहा है, इतने में आ जाती है अबीरा। और अबीरा जिस तरीके से बात करती है अरमान से, न जाने क्यों रूही को ऐसा लगता है कि वो उसे ऑर्डर दे रही है। पति पत्नी के बीच में रूही को हमेशा ही पढ़ना होता है, लेकिन इस बार ना चाची जी ने अच्छे से बात सुना दी है रूही को। तुम समझ क्यों नहीं रहे? अबीरा से तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ाती जा रही है। क्या दिक्कत हो रही है बेटा? अरमान और अबीरा पति पत्नी, वो एक दूसरे को प्रॉब्लम में डाले, निकाले ना निकाले, जो भी करे, तुम उनकी लोकल गार्डन थोड़ी हो। अरमान और अबीरा पति पत्नी है, दोनों में नोकझोंक होती है, पर दोनों में लड़ती है। अब चाची जी ने जो कहा वो एकदम सही कहा। उम्मीद करते हैं कि रूही को समझ आ जाए कि पति पत्नी के बीच में एक कभी भी पड़ना नहीं चाहिए। अब जैसा कि हम सब देख रहे हैं, अबीरा को अरमान से प्यार हो रहा है, बदली बदली सी अबीरा को अरमान भी समझने की कोशिश कर रहा है। कोई नहीं, धीरे धीरे वो समझ जाएगा। कैसे हैंडल करेगा वो तो भगवान जाने कैसे हैंडल करेगा, क्योंकि धीरे धीरे अबीरा को भी अरमान से प्यार हो रहा है और रूही को ऑलरेडी अरमान से बहुत प्यार है, तो उन दोनों के बीच में फंस तो गया है। लेकिन यही है कि अभी बहुत ही वो स्मार्टली, वो ना तो चाहता है कि रूही का दिल तोड़े और ना चाहता है कि वो अबीरा को हर्ट करे। और आगे कैसे स्टोरी जाती है और किस तरफ राइटर्स लेकर जाते हैं, अरमान उधर ही जाएगा। इन दोनों के बीच प्यारी प्यारी नोक झोंक होती है, कभी एक दूसरे पर ये गिरते पड़ते भी हैं। यही सब कुछ देखकर रूही को और भी अच्छा नहीं लगता है। अब रूही का कैरेक्टर ही ऐसा है, वो बात बात में अबीरा के लिए कमी ढूंढती है, अरमान को कैसे अबीरा के खिलाफ करे इस बारे में भी सोचती है। अब अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब रूही पक्की वैम्प बन जाएगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।